अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं? मैं तो ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं, घर माशाल्लाह सब ठीक ठाक हैं। दोस्त बस बस का टाइम है, गर्मी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। वैसे देखने से तो नहीं लग रही, देखें बदल है, हवा बिल्कुल रुकती हो गया, ऐसे हम बस मान गया तो ज्यादा। हाँ जी, समिया बुला रही है, जल्दी जाए जल्दी जाए, समिया को फ्रेश कर लो, फिर घास पे जाना है, समिया जल्दी है। और इधर ये पार्टी बैठी हुई है, अबू साकेब इस्तिहाना सोबिया सब साकेब, अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हो हैं? लड़ाई कर रहा है। अच्छा, लड़ाई करनी है साकेब, ऊपर 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 ऊपर, डांस दिखाओ डांस, चलो झूमर खेलो। खाला की शादी पे कैसे झूमर खेलोगे? डांस दिखाओ ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे झूमर खेलेंगे खाला की शादी पे। जा रहे हो, जा रहे हो शादी पे? बोलो हाँ। कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो? अभी जा रहा है। बा, 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 बा। नहीं जाता, घर ही सो रहा है, खेल रहा है। चलो इधर अपने बाबा को उठाओ। अबू को उठाया है? चलो अबू को उठा, अबू को उठा, अबू को उठाओ, उठाओ अबू को। हाँ, भाग के जाओ, अबू को उठाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। जाओ, नहीं जा सकते क्या? चलो जोर लगाओ। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, जोर लगाओ जोर लगाओ। हाँ चलो 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 चलो, अब पहुंचने वाले हो, शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह, इधर ही खेलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ओ ओ, ओ एक साथ जोर लगाया। चलो चलो, पहुंच गए हो अब। अब उठा दो इसको, उठो उसको उठाओ, उठो। ऊंची जगह है, उठ नहीं सकता, सीधा इसको बिठाओ उसकी तरफ। चलो उधर उधर उठाओ। हाँ हाँ, अब इसको उठाओ, उठता है कि नहीं? नहीं उठता, नहीं कहता, कहता है सोने दो। उठाओ, शरीफ बंदा कहता है सोया हुआ है, सोने दो। उठाओ अबू को उठाओ। शरारती। हाँ आप सुनाओ, क्या कर रही हो? अच्छा, कपड़े भी धो के रखूंगी। आज फिर कपड़े? हाँ जी। अच्छा, कल नहीं धोए थे तो आज मैंने कहा धो लो। सही है, धुलवा लो आज। हाँ जी, ये जो है ना, ये बिस्तर वगैरह उठाती हूँ, फिर चारपाया डाल के कपड़े भिगो के, तो फिर इंशाल्लाह नाश्ता वगैरह खा के कपड़े धोएंगे। आज बदल बने हुए हैं तो गर्मी बहुत ज्यादा, बादल हैं, वैसे तो गर्मी है, पसीना पसीना है हम सब। बादल हैं तो बादल बन गए है ना अबू जी? हाँ, बादलों में अगर हवा ना चले तो फिर बस बन जाती है। हाँ हाँ, वही है, बस माहौल बना हुआ है, हवा चले तो ठंडा का है। जी जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक हवा चलाएगा। जी जी। हाँ इस्तियाना, क्या कह रही हो अम्मी से? अम्मी तो जा रही है, हलवा खाना है, भूख लगी हुई है। रात को मैंने भी थोड़ा सा खाया था, जो प्लेट में पहले दिया था ना, बस वो क्या बचा हुआ है, रात को खाया ही नहीं है किसी ने। अच्छा, वो ले आना फिर, सोबिया मुझे भी देना। और लस्सी है? हाँ जी, लस्सी भी पीऊंगा। अभी कहाँ जा रही हो अम्मी? घास निकालना। घास निकालने कपास का। अच्छा सही सही, सेब साथ जाता है। समिया को जकिया नाश्ता देगी ना, काट के उसको नाश्ता दे, गर्मी बढ़ रही है, टाइम से जा रही हूँ। हाँ हाँ, इन बादल बढ़िया हो जाए, धूप निकले तो फिर सारे निकल पसी। अरे धूप निकल रही है, सूरज देखे नजर आ रहा है, फिर हर बस बन जाएगी तो घास निकलेगा। ठीक है, गर्मी है फिर। हाँ आप लोग काफी देर बाद आते हो, क्या करें, सफर बहुत ज्यादा है। हाँ जी,
फिर वो दूसरा लेने आता है, खोते को भी दो चक्कर पड़ जाते हैं। कल शाम को जो खोला उस टाइम भी मैं भौंक रहा था, घास भी नहीं खा रहा, फिर पानी पिलाया। हाँ। फिर बाद में को झोला लग गया, गर्मी से बेहोश पड़ा है। हाँ, कल गर्मी है इतने थे। हाँ। आपको तो नहीं सुना ना बहन भाई ना बात करने। हाँ, कुछ बोला करो ना। ऐसे ज्यादा बोलो ना, ऊंचा हो तो सांस रुक जाती है। अच्छा अच्छा, फिर ना बोला करो, जैसे आपको बोलना आता है वैसे बोला करो। बोल देते समझ आएगा ना। ठीक है ठीक है, ओके मान जा। ये आपको हलवा दिखाने लगे हैं, ये देखें, ये हमने हलवा बनाया था, कैसा लगा आप सबको? अभी सुबह के टाइम जो है ना, हसीब बाबू ले आया और खा रहा है। अम्मी कह रही थी कि चलें चलें घास पे। हाँ जाते हैं। फिर आपने पहले हलवा क्यों नहीं खाया था? दिया नहीं था किसी ने, मैंने कहा शायद नहीं है। अभी आप खुद ले आए हो ना? नहीं, जकिया ने दिया। हाँ। अच्छा सही, कितने दूर जाते हो? वो जो आगे घर हैं दांत पोतने वाले, वो जहाँ पर खटड़ियाँ हम तोड़ते थे। हाँ। खट्टी खट्टी मीठी, ये कैसे आगे जो? हाँ हाँ, घास बहुत होता है। हाँ। लेकिन गर्मी भी बहुत होती है। हाँ जी, मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, बाकी अम्मी करती रहती है। कामरान कहाँ चला गया? दूसरा घास काटने। हाँ हाँ, मुझे भी उधर जा रहा होगा। हाँ। ठीक है, हलवा खा लो फिर जाओ। क्या हमारी क्या कर रही है? वो चार पाया डाला है तो अभी कपड़े भिगोने जा रही थी। अच्छा, चार पाया डाल ली है, कपड़े भिगोने हैं। हाँ जी। वो बिस्तरे भी उठा लिए, जालिया भी लपेट ली। हाँ। सही। अभी मैंने कहा कपड़े भिगो के रख देती हूँ टाप में पानी भर के, तो फिर वो चाय रखती हूँ गर्म होने के लिए। हाँ हाँ, तो भी दूंगी, नाश्ता कर लेंगे आप तो फिर आपको भी दूंगी। चलो चलो, वो तो मैं तो नाश्ते के बाद पीता हूँ ना, आपको पता है पहले मैं नहीं पीता। हाँ जी। और फिलहाल जो है ना, मैं आपको कहता रहता हूँ क्या पता। हाँ जी। हाँ, मैं ये कपड़े उधर रख लूँ तो फिर जो है ना, आपको लस्सी देती चाय रखती हूँ। हाँ जी। तो फिर जो है ना बाद में कपड़े भिगोऊंगी। ये होंठ जो है ना वो सज गया है काफी। हाँ, ये देखे छाला निकल आया, खुल गया। दवाई लगाओ। खाया भी नहीं जाता था कुछ, थोड़ी सी रोटी मैंने खाई। दवाई लगाओ ना, जो अबू लेके आए हैं उनके भी मुंह फूला हुआ था, तो वो रात को लगा रहे होते हैं। कैसे लगाते? ऐसे ग्लाइसरीन की तरह, ये खत्म हो जाएगा। लगाऊंगी, अभी लगाऊंगी, शाम को लगाऊंगी, क्या ठीक हो जाए इंशाल्लाह। होते ने कर ली जिद, पानी पीने से इनकार कर दिया, कहते हैं दो कहता है दो दो फेरे मुझ पर लाते हो। हाँ, इसलिए नाराज है। क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हाँ देखें, वो इधर से पानी रखा, मिनते करते गए करते गए करते गए, इधर तक ले आए, लेकिन खोते रहे, एक घोंट भी नहीं भरा। अम्मी डंडा लेकर खड़ी हो गई, पीना है कि नहीं? नहीं, उधर भाग रहा था बाहर, तो मैं इसलिए झाल रही थी। पानी पीने से जबरदस्ती किया था, उसने नहीं पिया। हाँ, जब गर्मी लगेगी तो फिर पिएगा। जब वापसी आता है ना, उस टाइम इनको बुला करो, पिला दे दिया करें। वापसी ताजा आके पिलाए ना, पघरा होता है, फिर आगे भी आग कड़ गया, खुद मंडा हो गया। अच्छा, फिर ना घंटे डेढ़ के बाद मैंने पाइप खींच के बाहर पिलाया, फिर भी आई हो कम। हाँ। भी मुंह लगाया, सिर्फ शाम को पीता है, मगरब को जब जानवर पी लेना ना। हाँ। उस टाइम पी लेता है। इनको नहलाना नहीं होता क्या? पता नहीं, गर्मी तो हर चीज जानवर को लगती है, पता नहीं गर्मी लगी हुई है क्या। हाँ, नहला दिया, नहला देना, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर भागेगा। माशाल्लाह, इधर जकिया बैठ के देखें प्याज काट रही है, वो भी समिया के लिए, क्योंकि समिया को अभी लस्सी और प्याज के साथ नाश्ता देने वाली है। हैं जकिया, यही बात है, समिया को नाश्ता देने के लिए काट रही हो? अच्छा अच्छा, उसको हलवा भी दिया है? हलवा खा लिया उसने? हाथ खा रही है। चलो, ये प्याज काटो और इनको धोकर नमक डाल के और उसको दो, फिर साथ में लस्सी भी दे देना, फिर
आप भी अपने साथ में काट लेती तो एक साथ बैठ जाती दोनों बहनें। नहीं। क्यों? अलहदा खाती हो? इकट्ठे या नहीं खाती थी आप उसके? नहीं। हाँ, अब वो खुद खा लेती है। ये लो एक और कटोरी खाली होके आ गई हलवे वाली। इस्तियाना ने भी हलवा खा ही लिया। खा लिया? चलो मुंह धो आओ, चलो नलके पे जाओ, सीधा भागो भागो भागो। अच्छा जकिया, आपकी मर्जी, बस खाओ या ना खाओ। बर्तन धो लिए? नाश्ता करने के बाद धोगी? चलो कोई बात नहीं। सभी लस्सी बना रही हो? हाँ। पानी गरम है क्या? गरम है, वो रात कूलर वाला खत्म हो गया था। अच्छा, अभी जाना है वो गाढ़ी लस्सी है तो उसमें मैंने कहा पानी डालूं। हाँ हाँ, आपको भी दूंगी और आपको भी दूंगी, चाय रख ली है मैंने। मुझे जाने दो। पानी बिल्कुल गरम डाल रही है। गरम मक्खन भी नहीं बना। मक्खन नहीं बना था? रोटियों को भी नहीं लगाया? फिर तो मजा नहीं आएगा आज नाश्ता करने का, जब घी नहीं लगा होगा। पानी भर के ले जाते हो या उधर से भरते हो? अबू जान का दे दो लस्सी, बाद में लूं। उधर नलके होते ठंडे हैं। अच्छा, प्याज लग जाते फिर नलके पे आए जाए तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, नहा लिया साकिब? नहा के ठंडा हो के अभी फिर पंखे पे आ गया है क्योंकि पंखा अभी चला हुआ है। साकिब, वो अबू बुला रहे हैं। साकिब शहर जाना है? अबू बुला रहे हैं। वो अपने देख रहा है तेल ले आई है ना उसको लगवाने के लिए। कंघा करेगा फिर सोना बनेगा। बाल सोने बनवा लिए? क्यों गुस्सा कर रहा है? क्यों गुस्सा दिखा रहा है? कौसर आपसे गुस्सा है? उसको नींद आ रही है। जो आपने उसे राज के नहलाया नहीं। कहता है दूध पिलाओ, दूध पीना है। हाँ यार, दूध पीना है। अच्छा सराफ लेना है? सराफ और बराफ दोनों में। चलो ले आते हैं, ले आते हैं। सुबह सुबह आ गई होगी बरात? सुबह सुबह होती तो नहीं है। अगर शायद रात वाली बच्ची हो तो फिर मिल जाएगी। हाँ देख लेंगे। हाँ। होगी तो ले आऊंगा, नहीं तो फिर बाद में जब लड़के ले आते हैं। कमरान को मैंने पैसे तो दे दिए हैं, मैंने कहा ले आना। अच्छा, और घास के बारे में आप लोगों की बातें चल रही थी, मिला कहीं से? नहीं मिला घास? मिल जाएगा। अच्छा, बताते हैं जहाँ जहाँ मिलता है वो जरा दूर है। हाँ, जैसे पहले दूर जाते थे? पहले इधर जाते थे, अब इधर दूर मिलता है। अच्छा, फिर मैंने कहा उधर नहीं लेते, करीब ही ढूंढते हैं कोई। जी जी, रात को आपके चाचू आए थे, उनसे गपशप हुई तो उसने कहा कि जहाँ से पहले काटते थे ना चक के करीब से, जी जी, उधर उसके पास घास है वो देता है। जी जी, मैंने कहा चलो उधर से ले लेते हैं। सही है, एक कनाल मैंने कहा ले लेते हैं। हाँ जी, गुजारा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि जानवरों के लिए इतना सारा काटते हैं तो पता ही नहीं चलता, जल्दी खत्म हो जाता। हम देख लें, अभी दो कनाल लिया था। हाँ जी, दो कनाल खत्म भी हो गया, थोड़ा रह गया दो तीन दिन का। जी चलो, खाते हैं आकर जानवर हैं, उनमें भी तो खाना है। जी जी, तो नहीं रख सकते। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से भी लेना पड़े लेंगे। हाँ जी चलो, अब उनको तो खिलाएंगे। हाँ, अब पैसे दो कि मैं जाऊँ, चाबी भी दे दे। किधर जाना है? अभी जो बात तो चल रही थी बर्फ सरा। मैंने कहा बर्फ के पैसे तो मैंने कामरान को दे दिए हैं, कहो तो उधर ही है, चलो मैं उनसे ले लूँगा। फिर मैं बात करता हूँ, नाराज़ होते हैं कि कल कितनी बार सौदे लेने गए हैं, सारा बता देते तो ले आते। हाँ हाँ, एक चीज़ के लिए स्पेशल जाना पड़ता है। वो असल में ना जो चीज़ जिस टाइम ज़रूरत की होती है उसी टाइम देखते हैं कि अब इस चीज़ की ज़रूरत अब पड़ गई, जाके देखते जाएँ, वो नहीं होती तो बता देते।
ऐसे एडवांस में नहीं बताते कि यह चीज़ कल खोला था, कहाँ गया, उड़ गया, खाली हो गया। जब बंदा कपड़े धोता है ना, अभी मिसाल के तौर पे आप धो रहे हो, सर्फ डाल रहे हो, आपको पता होता है कि सर्फ ये कितना एक पीछे बचा हुआ है। हाँ, पूरा होगा कि नहीं। हाँ, ये चीज़ बता रहे हैं। मैं इस चीज़ पे कहता हूँ कि अभी जाएंगे, आधा लीटर पेट्रोल जलेगा। हाँ, एक सर्फ की पुड़िया लेके वापस। हाँ जी, 150 तो गया, वो जाए गया ना। हाँ जी, हाँ जी। जब जाते हैं सामान लेने, राशन लेने को, बर्फ तो आपको पता है, अभी कमरान घास काट के वो उधर ही हैं, वो उधर गए हुए हैं ना। ठीक है, ठीक है। इस्तेहान आपने प्याज जोड़ रही है। अबू ये रोजाना ना लकड़ी लेके प्याज छोटे छोटे ले आती है, तो लकड़ी के साथ जोड़ रही होती है। पता नहीं, ये देखे, एक दिन पहले भी ऐसे लकड़ी के साथ जोड़ रही थी। तो प्याज बना के दो इस्तेहाना को, छुरी से काटे जाते हैं। आजा, छुरी लाओ, तो प्याज बना के दो। चलो, छुरी एक दिन ऐसे ही टूटे टुकड़े करके ना छिला था ना कुछ, ऐसे ही खा रहे। हाँ जी, चाकू लेके आई थी मैंने, उससे उठा ले छुरी, छोटी छुरी जो तेल था ना वही लेके आई हुई थी, और एक प्याज काटा भी हुआ था, पर ऐसे छिलके बिल्कुल काले हुए थे, मैंने कहा मुझे तो मैं काट कर देती, मैंने काट कर देती खा ली। प्याज बना के दिया करो उसे, उसने रोटी खानी होती है। चलो बना के दो, भूख लगती है, खुद इंतजाम करने लग जाती हो। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, भूख लगी हुई है। ये देखें जी, इधर जी कामरान घास काट के, वो सामने देखें घास कटा हुआ है, मुनीब अभी खोता रेडी लेके आ रहा था, वो अभी पहुंचा नहीं है। और इधर से जो है ना घास वगैरह काटते हैं रोजाना, तो अभी भी काट के कामरान फ्री होके खड़ा हुआ है बाइक पे, अभी जा रहा था चक में पेट्रोल वगैरह डलवाने। वैसे तो बर्फ़ के पैसे अब ने इनको दिए थे, लेकिन बर्फ़ मैं लेके आया हूँ, तो अब इसको बोला है कि आप सिर्फ पेट्रोल डलवा के आ जाओ ना, मैं बर्फ़ लेके जा रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ। तो ये बस 2 दिन का और बचा हुआ है घास, क्योंकि इधर वाला किसी और का है, इस साइड वाला किसी और का है, ये सामने जो है ना ये बचा हुआ है, थोड़ा सा रह गया। फिर चक से भी आगे जाना पड़ेगा, ये चक है ना सामने 33 चक, इससे भी आगे जाते हैं, आगे जाओगे फिर। अब वो बता रहे थे कि उधर लिया है जहाँ से पहले मुनीब आ रहा था, अभी पहुंचा नहीं है, मैंने देखा था। आप जाओ, खज्जी नहीं पकी, अभी कच्ची है। अच्छा, चलो फिर पेट्रोल डलवाओ, मुनीब आके घास रेडी पर ला देगा। ये देखें जी, घास काट के अभी पहुंचे हैं बच्चे, और काफ़ी गर्मी भी हो गई है, और इनके कपड़े भी भिगो के रखे हुए हैं सोबिया कौसर के, इन्होंने कपड़े भी धोने हैं। और ये देखें, आज इधर छांव पे रख दिया, आज कम काटा, अभी पिएगा। ये पहले पहले गर्म निकलता है, फिर ठंडा बाद में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम पहुंच गए हैं इरफान भाई और कौसर भाभी के पास, तो इनसे हाल वाल लेते हैं, तबीयत सेहत का पूछते हैं, क्योंकि कल भी शाम को अब्बू जी कह रहे थे, बल्कि सुबह कह रहे थे कि इरफान भाई जो है ना थोड़ा ज़्यादा कमज़ोरी में आ गए हैं, तो इस तबीयत सेहत का पूछना हक बनता था, कि इसकी क्या वजह है हमें ज़रा डिटेल से बताएँ। बता दो ना कौसर को, क्या पता सेहत आपकी। हाँ, आपको पता होगा, वो मेरे साथ है। मैं क्या बोलूँ, मैं अंदर से गुर्दे चेक करके आया हूँ। मैं चेक करके आई हूँ, नहीं अल्लाह पाक को पता है, ऐसे अल्लाह पाक किसी को कमजोर बनाता, किसी को मोटा बनाता। हाँ हाँ, जितना खाते पीते हैं कुछ होने नहीं बनता। वो ऐसे क्या वजह, जिगर शिगर का चेक करवाओ। जिगर का मसला आता है, जिगर कौन नहीं बनाता, मतलब कमजोर है। हाँ हाँ,
हाँ जी वो लग गए आपको लगता है नहीं है। तो ऐसी हालत में आप कहीं जा भी नहीं सकते, ये भी मुझे पता है। जा कैसे नहीं सकते, जा तो सकते हैं, आपने सवार ही होते हैं। नहीं बस पे, बस वगैरह पे। जैसे कि अब आप लोगों ने तैयारी की हुई है इसकी बहन की शादी पे वहाँ जाने की, तो क्या आप लोग वही तो सोच रहे हैं? अगर काम करेगा मेरा इरादा जो है ना, हाँ तो बसों के लग के जाना ये मैं नहीं खा सकता। और पास ये बेबी है, हाँ जी हाँ जी, वो भी खुआ रहा होगा जी, और सामान भी है बहुत सारा। हाँ जी वो लेप भी है, उसको भी उठाना पड़ता है। हाँ तो ये ना घर के खाने से बेहतर है, मैं सोच रहा था घर औकात फुर्सत हो जाए तो मैं अपनी सवारी खुद करा लूँ उस पैसे। सही बात है, जिस जिसने जाना होगा ना कौशल मैं भी है अपने स्पेशल सवारी पे जाए। अरे मैं सोच विचार अभी तक कोई मतलब जेब साथ नहीं दे रही, मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह कुछ दिन पहले। हाँ हाँ अल्लाह पाक ख्याल करेगा इंशाल्लाह। तो ना मुनीब कल हमें कह रहा था मैं आप लोगों के साथ अलीपुर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा आपको उनके साथ इसलिए भेज रहे हैं कि जो बैग वगैरह होता है सामान वो आप उठा के जाएंगे, एक बंदे का होना उनके साथ ज़रूरी है। तो फिर ये भी सोचा कि अगर आप स्पेशल जाओगे कार पे फिर कौन सा, लेकिन जैसे आप मुनीब का दिल करें। वो तो जाना भी जाए उसकी मर्जी है, साथ तो में साथ और वो फुप्पो फरजाना उसकी बेटियां दादी उधर से कोई इस कौशल का मामू ये सब ने भी जाना है। क्या पता एक गाड़ी कराओ, उनको भी बोलना कि आप भी किराया दो, वो कैरी करा लो, फिर एक साथ चले जाओ सारे। आप फ्रंट सीट पे बैठ जाना और बाकी सीधी बात है, ये कहते हैं कि जब उनके साथ जाएंगे ना तो आपको पता है हमारे भी हालात कैसे हैं। हाँ कहेंगे कि ये पूरा किराया आप लोग, ये तो है वो सारा कुछ डालेंगे आप पर, खिलाओ पिलाओ भी। इधर से बैठेंगे, हाँ लाओ जी गाड़ी आ गई है चलो जी तैयारी पकड़ो। हाँ सब बैठ जाएंगे। हाँ जी यहाँ से वो 10-15 मिनट का सफर भी नहीं है। हाँ वो गाड़ी लोग फिर मैं से शुरू कर देने वो छोटे बच्चों ने भी बना लेंगे। हाँ हमें ना वो पानी लेके दो, बोतल लेके दो, कुछ खाने के लिए ले आओ, कोई फ्रूट वगैरह ये ना रास्ते में खाते रहेंगे। फिर वो जो इंसान बैठा होता ना कुछ समझदार, वो सिर्फ मैं ही बैठा होगा। अच्छा कोई नहीं है। हाँ हाँ अकेला मैं हूँ, ज़ाहिर है उन्होंने मुझे ही बोला है। हाँ जी हाँ जी उसके बाद ये चल पड़ेंगे वहाँ पे पहुँचेंगे। चलो रास्ते में खाना पीना तो नसीब की बात हो तो अल्लाह पाक देता है, खाने पीने में इंसान नहीं करता। हाँ हाँ वहाँ पे जब उतरेंगे ना तो सब ने अपना सामान उठा लिया, बोलेंगे किराया दे देना। हाँ ये खुद भी सोच रहा है कि आपको पता है जब अपने की शादी हो तो कितना खर्चा होता है। बहुत खर्चा होता है यार। हकीकत में इसके सिस्टर की शादी है, मैं बता नहीं सकता कि मेरा पहले भी काफी खर्चा हो चुका है। हाँ और अभी भी आगे काफी होना है। हाँ अभी तक शॉपिंग किया तो इतना खर्चा हो गया, बहुत सारी चीजें काम आती है, मसले मसाले होते हैं ना शादी और सिस्टर है। हाँ हाँ और होता है वो तो 10-20 हज़ार से काम जैसे भी, लेकिन ये इसकी सिस्टर है और इसने हर अपने छोटे बड़े ख्वाहिश पूरे करनी है। हाँ ये भी और उधर उनको भी कुछ ना कुछ हमने देना है। हाँ जी हाँ जी वो आपने देखा था ना, वो हमने बनवाई है ना पायल जो हम सिल रहे हैं वो हमने बनवा ली जी जी धाक का छोटे बहन को। सही बात उसके बाद जो है ना उनके जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, साहब बहन भाई गवाह है। हाँ ये भी मुँह पे बैठे बोल रही है साथ के बाद। हाँ जी बहन भाई इस बात के गवाह है कि उनके पास 4 पैसे है ना उनको घर में रहने की जगह नहीं है, नहीं होती वो चले जाते घूमे फिरे हमारे पास चले तो हम यूके भी चले जाए। हाँ इतने तक उनकी सोच है। हाँ जी तो मैं उनका साथ नहीं, लेकिन पर एक गाड़ी होगी तो फिर वो क्यों नहीं जाएंगे। इस वजह से उनका साथ नहीं देते हैं अक्सर क्योंकि वो भूल जाते हैं हमने जितनी उनकी सपोर्ट की है ना। हाँ वो मानते ही नहीं है, कल को इल्ज़ाम देते हैं कि अबू के नाम बोलते हैं ये हमारे साथ अच्छा नहीं करता हमारे साथ, हमने मतलब उनके इतने सपोर्ट किया हमसे जो हुआ है जितना हुआ है हम करते रहे हैं। हाँ अभी भी कर रहे हैं। हाँ जी कुछ अपने तरफ से कुछ जैसे भाई बहन भाई कबूल कर देते हैं तो वो ना मानने वाले लोग नहीं, मुझे इस बात नहीं। अब भी
अभी परसों भी कॉल आई अबू के पास, उन्होंने कहा हमने कपड़े लेने हैं, तो अबू ने पैसे भिजवाए, वो भी मेरे पास थे कुछ, तो मुझे कहा आप भी भेज दो, मैं आपको दे दूंगा। कल फिर फोन आया था, शाम को नहीं सुना? सुना था, बोल रहे थे पैसे हमें चाहिए, पता नहीं कहाँ हमने जाना है। अच्छा, तो अबू ने बोला इतने 10-12 साल है, मैं कहाँ से लाऊं? हाँ हाँ, मेरे साथ के जो तैयार है उन्होंने भी जाना है। हाँ हाँ, इतना खर्चा नहीं उठा सकता, यार भी मैंने कल पे सुना। परसों हमने भेजा, इतना चलो कोई बात नहीं, अगर किराया देंगे तो ले जाना, नहीं तो एक कार करा लेना। वो अगर जाएंगे बस पे, हाँ, तो उनके किराया खर्चे तो लगने हैं ना, लगने हैं। वैसे किराया खर्चे इधर वाले तो सुकून से जा सकते हैं, स्पेशल सुकून से तोड़ तोड़। इस बात को गवारा नहीं समझते कि जिसकी स्पेशल सवारी हो हम उसके साथ जाए, किराया वो खुद भरे, किराया खुद भरे, ये उनका माइंड है। अगर अबू के साथ जाता ना तो अबू को बोलते हैं आप किराया वाले, हाँ, उसकी जगह मैं जा रहा हूँ, अबू की जगह तो वो मुझे ही बोलेंगे, क्योंकि वो इस हिसाब से देखते हैं कि यूट्यूबर है और बड़े टिकटॉकर है, स्टार है, तो ये नहीं देखते कि जेब में कुछ है या नहीं बने हुए, कपड़े अच्छे जूते देख रहे हैं, जो अमीर हो गए, हाँ, बड़ा देख लिया, ये लोगों को ध्यान जानो क्या बोले, अब वो पुरानी बस्ती में जाओ सब यही बोलते हैं, हाँ, ये तो बोले बोले यूट्यूबर बन गए, आप इनको घर चेक करो, ऐसे है वैसे है, इनके पास ना इतने पैसे होते हैं जेब में, वो ये नहीं सोचते थे हम कितने मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हाँ सही बात है, दूसरों से मवेशी ले लेकर पाल रहे हैं कि उनमें से हमें कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा आए, हाँ हाँ, अपने करके कुछ कमा सके खा सके जी, तो ये तो है हमारे सब बहन भाइयों के तामन से ये सब घर चल रहा है। हाँ हाँ, हमारे पास क्या है ना, ये हम काम करते हैं ना कि जॉब करते हैं ना कि मजदूरी करते हैं, तो ये सब बहन भाइयों की वजह से और अल्लाह का जो है ना करम फरमा रहे हैं हम पर जी, ये घर चल रहा है। हाँ जी, और भी सोच विचार यही है कि अगर आपको उनसे बात करनी है कॉल पे बात कर लें, उनको ये बता दें कि अगर जाना है तो मैं स्पेशल सवारी का इंतजाम कर रहा हूँ, किराया भर रहा तो मैं स्पेशल करवाऊँगा, आप साथ में भरा है, अगर नहीं भरा ना खुदा के कसम मैं रास्ते में आप आप उनसे बात करना, अगर वो ना माने किराया देने के लिए तो फिर कहना ठीक है हम जा रहे हैं, आप कोई छोटी मोटी गाड़ी करा ना किराए की कार, तो बाकी वो फिर वो फिर ना खुद देखना गाड़ियों पे धक्के खाएंगे और किराया भी भरेंगे, वो तो आ रहे हैं आपके घर आ रहे हैं चलो ठीक है इंशाल्लाह, बाकी बोल रहे हैं कि किराया अपने खुद भरे, हाँ हाँ, अब हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ जी हाँ जी, तो किराया भरे तो ठीक है, मैं ले जाऊंगा जो तुम उतार दो, ठीक है ठीक है, तो ये बात कब सर कर रहे हो उनसे, जिस बात पे यार मुझे वो साथ है ना वो करना करता हूँ जरूरी, कोई भी, हाँ हाँ हाँ, ताकि हंसो वो ऐसा है हंसाओ।